हेलो एवरीवन, अगर आप एक यूपीआई यूजर हो तो ये अपडेट खास आपके लिए है। फिर चाहे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर आप भीम यूपीआई, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ये अपडेट के बेनिफिट्स आप सभी को मिलेंगे। दरअसल यूपीआई की अपडेट में एक ऑप्शन ऐड किया गया है, यूपीआई सर्कल। ये यूपीआई सर्कल क्या है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो और आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आज की इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यूपीआई सर्कल को एक्टिव करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये यूपीआई सर्कल आखिर है क्या, हमें इसको बेनिफिट कैसे होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। नॉर्मली यूपीआई के अंदर हमें अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए था, जिस बैंक अकाउंट को हम ऐड करके अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट करते थे और यूपीआई से बैंक पैसों की लेन देन कर सकते थे। लेकिन यूपीआई के इस सिस्टम को यूपीआई सर्कल एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। तो यूपीआई सर्कल, आप इस नाम को समझिए, यूपीआई को आपको एक सर्कल बनाना है, जिस सर्कल के अंदर आप अपने फैमिली मेंबर या अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप अपने यूपीआई आईडी का किसी दूसरे को एक्सेस दे सकते हो कि आपकी यूपीआई से वो अपने मोबाइल से कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम किसी फैमिली मेंबर को अपनी यूपीआई के अंदर ऐड कर लेंगे, उसको अपनी यूपीआई आईडी का एक्सेस दे देंगे, तो वो तो कहीं पे सारा पैसा उड़ा देगा। लेकिन इसके लिए भी आपको यूपीआई सर्कल के अंदर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑप्शन और एक होता है सेकेंडरी ऑप्शन। प्राइमरी ऑप्शन क्या होता है, अगर आप किसी को प्राइमरी ऑप्शन के अंदर ऐड करते हो तो आपको उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो कहीं पे भी चाहे पेमेंट कर सकता है, कितनी भी चाहे पेमेंट कर सकता है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप मान लीजिए आप किसी बच्चे को या आप चाहते हो कि ये पर्सन ज्यादा पैसा खर्च ना करे, उसको आप सेकेंडरी ऑप्शन में ऐड कर सकते हो। उसके क्या फायदे होंगे, जिसको आपने सेकेंडरी ऑप्शन के अंदर ऐड किया है, अगर वो कहीं पे स्कैन करता है, कहीं पे पेमेंट करने की कोशिश करता है, तो आपके पास आपकी यूपीआई आईडी के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब तक आप वो नोटिफिकेशन वहां से अलाउ नहीं करोगे, तब तक वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। वो आप डिसाइड करोगे कि वो इतनी पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप उसे कैंसिल कर दोगे तो वो वहां से पेमेंट नहीं कर पाएगा। और उसके अंदर भी आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। आप चाहते हो कि आपका वो सेकेंडरी ऑप्शन इतनी पेमेंट कर सकता हो, मतलब इतना पैसा खर्च कर सकता हो, उससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो आप उसके अंदर मैक्सिमम अकाउंट भी भर सकते हो कि ये पर्सन जो है सिर्फ 500, 1000, 2000 इतने ही वो यूज कर सकता है, तो आप उसको भी वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। कितने दिनों के लिए कर सकते हो वो भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। आई होप आप सबको यूपीआई सर्कल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा और इसके हमें बेनिफिट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस पे आप एक्टिव कैसे कर सकते हो। आप इसको एक्टिव करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, जब आपको ये अपडेट मिल जाएगी, इस अपडेट में आप जब अपनी यूपीआई आईडी गूगल पे, फोन पे, कोई भी प्लेटफॉर्म आप ओपन करोगे तो आपके होम पेज पे ही आपको वहां पे यूपीआई सर्कल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सभी डिटेल वहां पे डाल देनी है, जिन भी यूजर्स को आप वहां पे ऐड करना चाहते हो, तो आप वहां से एक यूपीआई का सर्कल क्रिएट कर लोगे। और ये अपडेट हाल ही में लॉन्च हुई है, तो बहुत से यूजर ऐसे हैं जिनको अभी ये अपडेट नहीं मिली है। और अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली है तो उसके लिए आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, खुद पर खुद आपको वो अपडेट मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है तो आप गूगल वहाँ प्ले स्टोर से जाके अपने गूगल पे, फोन पे, आप कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप उसको अपडेट करते रहिए। जैसे ही आपका अपडेट होगा तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उसको एक्टिव कर सकते हैं और अपना एक यूपीआई सर्कल बना सकते हो, जिसका आप अच्छे से बेनिफिट्स भी ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।